महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जनसभा, डिंडोरी और कल्याण में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, मुंबई नॉर्थ ईस्ट में भी करेंगे मेगा रोड शो। पीएम के रोड शो पर संजय राउत ने निशाना साधा, कहा जहां एक दिन पहले हुआ था हादसा वहां रोड शो करेंगे पीएम। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मुस्लिमों को घुसपैठिया कहने वाले अब कह रहे हैं कि नहीं किया हिंदू मुस्लिम, झूठी सफाई देने में क्यों लगा इतना वक्त। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खड़गे ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया, कहा हम 4 जून को सरकार बना रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने बड़ा ऐलान किया, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर लोगों को 10 किलो अनाज मुफ्त देंगे। खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा, कहा पीएम मोदी की विदाई जनता ने तय कर दी, डराने का काम कर रही है सरकार। खड़गे ने बीजेपी पर फिर लगाया संविधान बदलने का आरोप, कहा बीजेपी नेताओं ने संविधान बदलने की बात की, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी के झूठ का पहाड़ गिर रहा है, 4 जून को बदलाव होगा। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में गरजे गृहमंत्री अमित शाह, बोले पीओके भारत का है, हम उसे लेकर रहेंगे, राहुल ममता पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा अटैक, कहा मां माटी मानुस का नारा भूली ममता, अब मुल्ला मदरसा और माफिया रह गए। चुनावी रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तानी सांसद के बयान का जिक्र करते नजर आए, कहा विश्व की महाशक्ति बन रहा भारत, दुनिया से भीख मांग रहा पाकिस्तान। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी के लोग संविधान फाड़ने की बात कह रहे हैं, कांग्रेस और जनता बीजेपी का बुरा हाल करेगी। राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, कहा रायबरेली और अमेठी हमारे लिए चुनाव क्षेत्र ही नहीं हमारी कर्मभूमि, यहां के लोग जब भी पुकारेंगे हम वहां मिलेंगे। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने वाले हैं, इस बार कांग्रेस को पिछली बार से भी कम सीटें आएंगी। यूपी के जालौन में सीएम योगी की जनसभा, जालौन के बाद झांसी में रोड शो करेंगे सीएम योगी, कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला, अखिलेश को बताया दलित विरोधी, कहा 2012 में अखिलेश ने की थी दलित महापुरुषों के स्मारक तोड़ने की बात। दिल्ली में रोड शो करेंगे सीएम केजरीवाल, कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार, जहांगीरपुरी और चांदनी चौक में इंडिया गठबंधन का रोड शो। कल पंजाब दौरे पर रहेंगे सीएम केजरीवाल, अमृतसर में करेंगे रोड शो, हरमिंदर साहिब के भी दर्शन करेंगे। दिल्ली सीएम आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, स्वाति मालीवाल को लेकर सीएम केजरीवाल से मांगा इस्तीफा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता नवीन जयहिंद ने केजरीवाल पर निशाना साधा, केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, स्वाति मालीवाल की जान को खतरा बताया। बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा स्वाति मालीवाल मामले पर चुप क्यों है केजरीवाल, सीएम आवास में सुरक्षित नहीं महिलाएं। एक देश एक चुनाव पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा हम तैयार हैं लेकिन हमारी गुजारिश जम्मू कश्मीर से होनी चाहिए शुरुआत। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का किया ऐलान, कहा प्रदेश में अच्छी सरकार चल रही है इसलिए बीजेपी का समर्थन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत बिगड़ी, ऋषिकेश एम्स में कर भर्ती कराया गया, अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर की खदान में बड़ा हादसा, लिफ्ट की चेन टूटने से एक शख्स की मौत, 10 को निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लिफ्ट हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, बाहर निकाले गए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर रेफर किया गया। फंसे हुए लोगों के लिए फूड पैकेट भेजे गए, खदान के अंदर भेजी गई दवाइयां, मौके पर 4 डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पर किया हमला, बीजेपी नेता का कान काटने का आरोप, पार्टी बदलने से नाराज लोगों ने किया हमला। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी पर बीजेपी समर्थक के घर आग लगाने का आरोप, बीजेपी प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट होने पर घर में आग लगाई। संदेश खाली की महिलाओं में शाहजहां शेख का खौफ अभी भी बाकी है, खुद को सुरक्षित रखने के लिए महिलाएं पहरेदारी कर रही हैं, बोला पुलिस पर भरोसा नहीं है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम से आज भी हो सकती है पूछताछ, कैश बरामदगी मामले में ईडी ने कल भी पूछताछ की थी, ईडी ने इससे पहले भेजा था समन। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, 30 मई को होगी अगली सुनवाई। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पिता की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए कोर्ट ने इजाजत दी है। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, पोषणीयता पर बहस पूरी हुई, शाही ईदगाह कमेटी के वकील आज रखेंगे अपना पक्ष।
सलमान खान के घर फायरिंग केस में गैंगस्टर रोहित गुदारा पर बड़ी कार्रवाई की गई। मुंबई पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया है। क्राइम ब्रांच ने गुदारा पर केस दर्ज कर लिया। केदारनाथ धाम में टूटा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। चार दिन में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1,00,000 के पार। यमुनोत्री के हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की है नजर। सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम उत्तरकाशी में कैंप करेंगे। चारधाम यात्रा में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। श्रद्धालुओं के इलाज के लिए रास्ते में डॉक्टरों की तैनाती। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण श्रद्धालुओं को सांस लेने में हुई थी दिक्कत। सीमा हैदर को लेकर बड़ा खुलासा। वकीलों के बीच बातचीत का ऑडियो लीक। सीमा हैदर के पाकिस्तानी सेना से लिंक होने का दावा। सीमा के चाचा पाकिस्तान सेना के जवानों के ट्रेनर हैं। जासूसी के आरोप पर सीमा हैदर ने दिया जवाब। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली, जांच चल रही है, मैं पूरी तरह क्लियर हूं। यूपी के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक लू चलने की आशंका। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। चंडीगढ़ और पंजाब के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। लोगों को घरों में रहने को कहा गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगलों में लगी भीषण आग। बाली तिरछी ब्लॉक में आग से भारी नुकसान। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में भीषण सड़क हादसा। बस और डंपर की टक्कर में 6 लोगों की मौत। टक्कर के बाद बस में लगी आग। पंजाब के गुरदासपुर में पाक सीमा से 2 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। सीमा पार करते हुए दोनों को बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा। नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने विस्फोट किया। पुलिस की गाड़ी को बनाया निशाना। गाड़ी में एक दारोगा और सिपाही था सवार। नहीं हुआ कोई नुकसान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लगातार दूसरे दिन भी दिखे संदिग्ध। सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगलों में पुलिस ने की तलाशी। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी। वीडियो जारी कर दी जानकारी। 5,00,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी विस्थापित। किम जोंग उन ने मिसाइल सिस्टम का किया निरीक्षण। किम जोंग ने हथियार निर्माण को बताया जरूरी। कनाडा में जंगल की आग ने लिया विकराल रूप। पश्चिम के कई शहरों तक पहुंची आग। 6,000 से ज्यादा लोग बेघर। तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाना हुआ मुश्किल। Z News।